सिक्स सेवन्थ में हम प्रश्न बनाना सीख रहे थे, यानी उत्तर से प्रश्न बनाना। उत्तर से प्रश्न बनाना कैसे करते हैं वो हम सीख रहे थे कि उत्तर से प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जैसे मोहन यस या नो में ले लें, नो, मोहन डिड नॉट बाय ए कार, ये आंसर है। अपने को इसका प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाने के तरीके दो तरह के हैं, एक सहायक क्रिया से और एक डब्ल्यू एच वर्ड से। नियम में बता रखा है मैंने पहले, अभी तक पहला ही कराया, शुरू कराया था। सहायक क्रिया से प्रश्न बनाना हो तो सहायक क्रियाएं हो गई इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, ये हो गई। कोई भी मॉडल आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, डीड आ जाए, ये सारे जो है इससे प्रश्न बनाने के तरीके हैं। सहायक क्रिया से प्रश्न जब बनाएंगे तो इनको आगे ले जाना है। इन सबको कहाँ ले जाना है? आगे ले जाना है। वाक्य में देखना पड़ेगा अपने को कि आ क्या रहा है, कि क्या आ रहा है, उस हिसाब से वाक्य को बना। जैसे नो मोहन डिड नॉट बाई ए कार, नहीं मोहन ने कार नहीं खरीदी, तो इसमें डिड आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर मॉडल आएगा, नहीं तो डू डज डिड आएगा, तब डिड आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, प्रश्न बनाते समय इस डिड को आगे ले जाएंगे। नो और यस प्रश्न में थोड़ी आते हैं, उत्तर में आते हैं, हाँ या नहीं उत्तर में आता है, प्रश्न में नहीं आते। तो डिड आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, डिड मोहन। नो नॉट नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है और ये भी नहीं लगाना है, डिड मोहन बाई ए कार, प्रश्न बन गया, आंसर आ गया नो मोहन डिड नॉट बाई ए कार। तो इस प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट प्ले। फिर एक और प्रश्न आ गया, नो ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। प्रश्न तो यही बनेगा, क्या वह खेलता है, यही बनेगा। अब इसमें हेल्पिंग को अभी जा रहे हैं, बाज वर है, जेव हेड है, कहीं नहीं है, मॉडल कहीं है, कैन फूड सेल शुड विल वुड है, नहीं है। तो डू डज डिड में से कौन है, तो आप कहोगे डज है, डज आ रहा है। तो प्रश्न जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इस डज को आगे ले जाएंगे। डज इसलिए आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, ही है, बहुवचन होता, यू आई होता तो आ रहा था, डिड डू आता, डज आ गया, फिर क्या आ गया, ही, डज ही प्ले, पर्सन क्या बन गया, डज ही प्ले, आंसर में आ जाएगा। ना तो नॉट लगाना है, ना ही नॉट नो लगाना है, इनका प्रयोग नहीं करना है अपने को, ये विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न बनाते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि डज आया उसको आगे ले गए, लेकिन नो और नॉट को नहीं लिखेंगे, ये विशेष ध्यान रखनी है। जैसे ही गोज टू, यस ही गोज टू मार्केट, ये अपना आंसर है। अब अपने को प्रश्न बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो किसको देखना है, वर्ब को देखना है, किसको देखना है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब को देखो। वर्ब में क्या देखना है, फर्स्ट है या सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है चेक करनी है। फिर बोल रहा हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसमें देख लो इज नहीं है, आर नहीं है, एम नहीं है, वाज नहीं है, वर नहीं है, डू डज डिड मॉडल कुछ नहीं है, तो फिर किसको देखना है, वर्ब को देखना है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज लगाएंगे, सेकंड फॉर्म है तो क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो गो के साथ ई एस लगा हुआ है, कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, एक वचन है, एक वचन ही सी है, एक वचन है अगर तो डज का प्रयोग करना है, तो डज आगे आ जाएगा, डज आगे आ गया, सब्जेक्ट क्या है, ही गो टू मार्केट,
फिर बोल रहा हूँ जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो किसको देखना है, किसको देखना है? हेल्पिंग वर्ब ना होगी तो अपने को क्या देखना है कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो दो नियम लागू होते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म डू जाएगा, डू आएगा या डज आएगा। सब्जेक्ट को देखेंगे, क्वेश्चन है तो डज लगा देंगे, बहुवचन है तो डू लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। यस दे प्ले क्रिकेट। चौथा देखो, अब इसमें देखें तो वर्ब आ रही है प्ले, वर्ब क्या आ रही है प्ले, तो इस ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक भी नहीं आ रहा इसमें से, तो फिर वर्ब को देखना है फर्स्ट है या सेकंड है। फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, हम कहेंगे प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो एक वचन है तो डज लगाना है, बहुवचन है तो डू लगाना है। एक वचन के लिए डज का प्रयोग है, बहुवचन के लिए डू का प्रयोग है। अब आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, तो एक वचन है बहुवचन है, दे क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन है तो सबसे पहले आ जाएगा डू, फिर आ जाएगा डे, फिर आ जाएगा प्ले, फिर आ जाएगा क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट और प्रश्न वाचक क्या आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने को प्रश्न बनाते समय नियमों का ध्यान रखना है, ये नियम जो है इनको विशेष ध्यान रखें, कैसे नियमों में परिवर्तन याद करना है, एक वचन और बहुवचन के बारे में सीखना है कि जो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो किसको देखना है, वर्ब को देखना है। फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू डज का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म होगी तो डिड का प्रयोग करेंगे, और डू डज में भी क्या है, डू आएगा तो बहुवचन है तो डू डू का प्रयोग करेंगे, एक वचन करता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तब ये नियम लागू रखना है, हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो ई जा रहे आ गया, बाद में आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, डू डज डिड मॉडल कोई भी आ गया तो वो क्या करना है, लगाना।